हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ममता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये एलिफेंट शोपीस मैंने घर पर कैसे बनाया है और आप इन्हें कैसे बना सकते हो आसानी से घर पर। मैंने इन्हें बनाया है दो तरीकों से और वो दोनों ही तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड पसंद आए उसी के साथ आप इन्हें बनाइए। ये वाले शोपीस की मार्केट प्राइस है 700 रुपीज पर पीस। तो 700 रुपीज़ में आप आसानी से मटेरियल ख़रीद सकते हो और उससे आप इस तरह के कम 10 शोपीस घर पर बना सकते हो। और ये तो मैंने बनाए हैं वेस्ट मटेरियल के साथ, तो चलिए बनाते हैं इन्हें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं ये प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्स जो मेरी बेटी के साइंस किट के हैं खाली होने के बाद, तो ये मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और ये फायर क्रैकर्स जो फुलझड़ियाँ जलाई थी दिवाली पर, उनके बचे हुए वायर। तो सबसे पहले हम बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाएंगे, उसके बाद इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। यहाँ पर फॉइल भी मैंने यूज़ किया है, ये मेरी डॉटर के टिफ़िन में जो एवरीडे मैं देती हूँ उसे मैं एवरीडे क्लीन करके रख लेती हूँ, और जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो फिर मैं इस तरह का क्राफ्ट कर लेती हूँ। आप यहाँ पर फ्रेश फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बॉक्स के ऊपर फॉइल की 3 से 4 लेयर चढ़ानी है। उसके बाद मैंने जो वायर था ना उसको 4 पीस में सेम इक्वल साइज़ के पीस कट कर लिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से उसके अंदर फिक्स कर लिया और ग्लू से उन्हें सेट कर दिया। अब हम इन वायर के ऊपर ग्लू लगाकर बाकी का फॉइल इनके ऊपर कवर करेंगे और इसे एलिफेंट का पूरी तरह से शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एलिफेंट बन गया है। दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें हम कोई बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम न्यूज़पेपर और फॉइल के साथ बनाएंगे। क्योंकि अगर किसी के पास उस तरह के बॉक्स नहीं है या वो थोड़ा इजी नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। इसमें आपको न्यूज़पेपर यूज़ करना रहेगा, आप डायरेक्ट फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉइल करोगे तो फॉइल बहुत सारा लगेगा आपको, इसलिए आप पहले न्यूज़पेपर के साथ इसे बनाइए, उसके बाद उसके ऊपर फॉइल से इसे अच्छे से शेप दे दीजिए। अब जो स्टमक है और फेस पार्ट है इन दोनों को हम ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे और बहुत सारा ग्लू लगा के इन दोनों को फिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टूथपिक, ये बहुत इजीली मिल जाएगी आपको कहीं पे भी। अगर आपके पास वायर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास, मैं इस सेकेंड मेथड में टूथपिक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि किसी के पास इस तरह के वायर नहीं होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। बस इन्हें अच्छे से अंदर डालना है और ग्लू से इन्हें भी सेट कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर भी फोल्ड रैप करके इनकी जो लेग्स हैं वो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे तरीके से भी हमने एलिफेंट का शेप बना लिया है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसके साथ एलिफेंट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले, ये होममेड है। अगर आप इस तरह की होममेड क्ले चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप घर पर एयर ड्राई क्ले नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी इसे ख़रीद सकते हैं। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आप ऑनलाइन मंगवा के भी इस तरह का क्राफ्ट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से क्ले को, एलिफेंट को अच्छे से कवर करना है क्ले के साथ। ये वाला जो क्राफ्ट है आप एयर ड्राई क्ले के साथ ही कर सकते हो। मैंने ये वाला क्राफ्ट जो है पेपर क्ले के साथ भी किया था, या आप कोई सी और क्ले भी करोगे तो उसके साथ मैंने किया था ना, तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे क्योंकि इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स वगैरह होते हैं, तो वो हम अच्छे से कर नहीं पाते। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पर एयर ड्राई क्ले ही यूज़ कीजिए, उसके साथ ये बहुत अच्छे से बनेगा।
तो आप देख सकते हैं हमारा एलिफेंट बन गया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसे ड्राई होने में कम से कम 18 to 20 आवर्स लगेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी के एलिफेंट्स बना लिए हैं और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें कलर करेंगे। इन्हें कलर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। आपको एक्रेलिक कलर ही यूज़ करने रहेंगे, आप वाटर कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डार्क ब्लू कलर और इसे हमें पूरा कलर करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैश के मेटालिक कलर्स। तो यहाँ पे मैंने जो जो कलर शेड यूज़ किए हैं उन्हीं के मैं मेटालिक कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। तो सारा कलर पार्ट हो गया है, अभी हमें आउटलाइन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फेवर क्रिस्टल का ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये स्टोन पेंटिंग के लिए आता है, ये किसी भी स्टेशनरी से आपको 10 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा और ये बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। तो इसके साथ मैं आउटलाइन कर रही हूँ, तो इससे थोड़ा क्या ईजी हो जाएगा। ब्लैक कलर हम ब्रश से करने जाते हैं तो इतना क्लियरली और उतना अच्छा होता नहीं है। ब्रश से करने से हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और इतना फाइन वर्क हम ब्रश के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह के पेन यूज़ करेंगे। यहीं पे मैंने रेड कलर का फेवर क्रिस्टल पेन यूज़ किया है बाकी के डिज़ाइन के लिए। लास्ट में मैं यहाँ पे वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मेटालिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो वार्निश अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, और अगर आप एक्रेलिक कलर के साथ ही बना रहे हो तो प्लीज़ लास्ट में वार्निश ज़रूर अप्लाई कीजिए, उससे आपके एलिफेंट शाइनी और ग्लोसी दिखेंगे। तो ये वाला हमारा पीस रेडी है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो हमने बनाया है इसे बिल्कुल ही लो बजट में और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इस तरह से घर पर इस तरह के एलिफेंट शो पीस बना सकते हैं। उसी तरह से मैंने ये दूसरा वाला एलिफेंट भी बना लिया है। एक्चुअली वो जो ऑरेंज वाला फर्स्ट एलिफेंट पीस जो हमने बनाया है उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स मुझसे डिलीट हो गई थी कलरिंग पार्ट की, इसलिए मैंने ये वाले में आपको उसका थोड़ा सा दिखाया है ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप पूरी तरह से इसे देख कर बनाइए। इस वाले एलिफेंट पीस में मैंने ग्रीन मेटालिक कलर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक्रेलिक कलर के साथ बनाया है। तो यहाँ पे मैं वार्निश अप्लाई कर रही हूँ और इसमें आप वार्निश के बाद इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। सी,
कितना ज़्यादा शाइनी और ग्लोसी है। तो आप भी इस तरह की शोपीस बनाइए घर पर ही, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और लास्ट में आपको क्या करना है, और तो आपको पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।